आगामी लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जनप्रतिनिधियों का दौरा लगातार जारी है। काराकाट क्षेत्र में जनप्रतिनिधि रोज जनता से मिलने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं। वहीं एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जनता से मिल रहे हैं। गौरतलब है कि नबीनगर विधानसभा प्रभारी अरविंद कुमार शाही ने आज पत्रकारों को बताया कि जो भी जनता के बीच में 10% आरक्षण को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के विरोध करने को लेकर कहा जा रहा है वो सरासर झूठ है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो सदन में इसका समर्थन किया था, ना कि विरोध, जो आप कहीं भी देख सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के जीत को लेकर जब RLSP के प्रदेश महासचिव उदय सिंह ने पवन सिंह को निर्दलीय काराकाट से चुनावी मैदान में आने से जब पत्रकारों ने वार्ता किया तो उदय सिंह ने कहा कि पवन सिंह से उपेंद्र कुशवाहा का कोई टक्कर नहीं है। पवन सिंह 4 जून को पुष्पक विमान से उड़ जाएंगे, उनके आने से उपेंद्र कुशवाहा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा लगभग 2,00,000 वोट से जीत हासिल करेंगे, जो पूरे देश में मोदी लहर है, जो काराकाट में भी दिखाई देगा। काराकाट क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा का क्या स्थिति है अभी? देखिए, काराकाट ही छोड़ दीजिए, इस पूरे देश में बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस पूरे देश में उससे सभी विपक्षी पार्टियों की लड़ाई है। इसलिए काराकाट क्षेत्र में स्वाभाविक तौर पर NDA गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा अभी सबसे ज़्यादा आगे चल रहे हैं और जीत भी उनकी सुनिश्चित है। उपेंद्र कुशवाहा जहाँ जहाँ प्रचार करने जा रहे हैं वहाँ पवन सिंह का नारा लग रहा है, आखिर कारण क्या है? देखिए, पक्ष विपक्ष होता है और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों के समर्थक रहते हैं और दोनों ही अपनी अपनी बातें करते हैं, लेकिन बहुसंख्यक समाज जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ है और जो नारा लगा रहे हैं, बच्चे लगा रहे हैं, तो वो भी इसी समाज से बच्चे हैं, लेकिन वो सबका अपना अपना सिद्धांत होता है और अपने अपने फॉलोअर होते हैं। तो जो जो अपने नेता के फॉलोअर है वो अपना नारा लगा रहा है और वही जो NDA के गठबंधन के फॉलोअर है वो अपना नारा लगा रहा है। इससे कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हवा और ब्यार जो बह रही है वो NDA के पक्ष में बह रही है। लेकिन क्षेत्र में जहाँ भी हम लोग गए इंटरव्यू करने, वहाँ लोगों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा 10% आरक्षण को विरोध किया था। देखिए, आप ये कहने की बात नहीं है, प्रमाणिक तौर पर ये पार्लियामेंट की बात है जो इसको प्रचारित किया जा रहा है। तो इस पार्लियामेंट की जो भी बातें होती है वो लिखित होती है, ऑन रिकॉर्ड होता है, ये हमारे और आपके कहने से नहीं होता है। और कभी कभी मीडिया वाले भाई भी उनका उस समय का पार्लियामेंट का जो उनका ये स्टेटमेंट है वो चलाए थे। उन्होंने कहा था उपेंद्र कुशवाहा ने कि मैं 10% का समर्थन करता हूँ, और भी जो जातियाँ हैं उन लोगों को भी आरक्षण बढ़ाने की मांग किया था और उन्होंने ये 10% आरक्षण के पक्ष में उन्होंने मतदान किया था। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है। और ये आप ये मोबाइल की ज़माना है, गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हैं उस वक्त का उनका भाषण, सदन का भाषण, और उनके जो भी लिखित दस्तावेज है वो आप पारित निकलवा कर आप देख सकते हैं। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये तो विरोधियों की हवा है कि ये इन्होंने विरोध किया है, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया, समर्थन किया है। उपेंद्र कुशवाहा के लेकर क्या आप लोग पार्टी में आप हैं और क्या क्षेत्र में चाह रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक बात रही पार्टी की बात है, उपेंद्र कुशवाहा के हम पार्टी के एक पदाधिकारी हैं, एक सिपाही हैं। अभी वर्तमान परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं क्षेत्र में और क्षेत्र भ्रमण के दौरान जो उनके संदर्भ में या उनकी जो किए गए कार्य के बारे में चर्चा होती है वो काफ़ी सराहनीय है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और NDA की लहर है, उपेंद्र कुशवाहा की इसमें भारी मत से जीत होगी, कहीं से कोई संदेह नहीं है क्षेत्र में। क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं कि वो उपेंद्र कुशवाहा इस क्षेत्र के पाँच वर्ष के लिए संसद बने, मंत्री भी बने, अपने अवधि में पूरे भारतवर्ष का पहला मंत्री माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जो काराकाट में सबसे ज़्यादा भ्रमण किए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए साथ साथ ही उनके पीरियड में जो उनका विभाग था उसके द्वारा औरंगाबाद जिला को दो केंद्रीय विद्यालय मिले, एक जो अकोढ़ा में NPGC में अवस्थित है और दूसरा देवगुड़ में, वो स्वीकृत है, बनेगा।
तीसरी जो है सासाराम में जो केंद्रीय विद्यालय जो मध्य विद्यालय में चलता था, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, उस मिडिल स्कूल के भवन में चलता था, उसको अपने पीरियड में माननीय मंत्री जी ने उसका सारा चीज अलग बिल्डिंग बना करके और सुसज्जित तरीके से उसमें बजाता उसका शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया अपने पीरियड में। आज वहाँ 3-4 हज़ार की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सारे जगह के बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अन्य काम भी किए, डालमिया नगर के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया, सकारात्मक काम है। अवधि समाप्त होने के कारण वो प्रारंभ नहीं हुआ, अब अगला बारी अगर मंत्री बनते हैं, संसद बनेंगे, तो वो भी वहाँ का काम पूर्ण होगा।